एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, और ये है नया वाला पतीला जो कि मैं कल लाई थी। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। तो इस पे मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दिया है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, दूध वगैरह सब मैंने निकाल दिया है, और अब चलिए तैयार करते हैं सूजी के गुलाब जामुन बनाना। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब घी ले लिया है, और इसको थोड़ा सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसमें मैंने 2 कप के करीब मिल्क ऐड किया है, और मिल्क आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो, टोन मिल्क या फिर फुल क्रीम मिल्क, ये टोन मिल्क है एक्चुअली। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी इस तरीके से, जब तक ये बॉयल ना आने लगे इसमें। और दूसरी साइड में कर रही हूँ चाशनी की तैयारी। तो चाशनी के लिए मैंने शुगर और वाटर बॉईल होने के लिए रख दिया है, और उसमें थोड़ा सा इलायची मैंने क्रश करके डाल दिया है। और दूसरी साइड दूध बॉईल हो गया है, तो मैं यहाँ पे 1 कप के करीब सूजी ऐड करूँगी, और सूजी में सारा एक साथ नहीं डालूँगी क्योंकि इससे लम्ब्स पड़ने का डर रहता है। तो इस वजह से लम्ब्स ना पड़े इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूजी ऐड करूँगी। तो सूजी में तब तक चलाऊंगी जब तक कि दूध अच्छी तरीके से इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो एक अच्छा सा डो तैयार करना है, तो इस वजह से मैं जब तक पूरा दूध बॉईल ना हो जाए और पूरा सूखा सा ना हो जाए मिक्सचर, तो तब तक इसको चलाते रहूंगी कढ़ाई में। और इससे थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है डो, और गुलाब जामुन के पेड़े बनाने के लिए भी ईजी रहता है। तो मैं इसको 2 मिनट ठंडा होने के लिए रखूँगी, और उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी अच्छी तरीके से। पहले इसको मसल के डो तैयार करूँगी ताकि गुलाब जामुन और भी सॉफ्ट बने। तो अब मैं यहाँ पे पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे से, और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़े, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ पेड़े बन रहे हैं। क्योंकि मैंने हाथों पे घी लगा के थोड़ा सा और मसला था डो को ताकि और सॉफ्ट हो जाए। तो इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे पेड़े तलने के लिए डाल दूँगी, और 3-4 करके डालूँगी एक साथ क्योंकि ऑयल मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है। तो बस इसको हल्के हल्के हाथों से चलाना है, और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इस पे करछी की हेल्प से ताकि ऊपर साइड भी थोड़ा सा पक जाए। और जब ये नीचे साइड से थोड़ा पक जाए 1-2 मिनट बाद, तब इसको पलटूँगी ताकि बिल्कुल भी ना टूटे, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी टूटे नहीं है। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना होता है ताकि अंदर तक पूरा अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे इसको तलेंगे तो सिर्फ बाहर बाहर की लेयर जो है वो पकेगी और अंदर बिल्कुल कच्चा रहता है। तो इस वजह से इसको लो फ्लेम पे ही पकाना होता है। और दूसरी तरफ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो आलू गोभी की मिक्स वेज बनानी है मुझे। तो इसके लिए मैं गोभी को 2 मिनट के लिए बॉयल करूँगी इसमें सॉल्ट ऐड करके। पेड़े हल्के से ठंडे होने के बाद मैं इसको चाशनी में ऐड करके रख दूँगी, और चाशनी भी हल्की सी गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो टूटने का डर भी रहता है, इसलिए थोड़ी सी जब ठंडी हो जाए तब मैं ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ डिनर की।
तो अभी टाइम हो गया 6:15 बजे का और मैंने दिया जला लिया है मंदिर में। इस बार मैं यहाँ पे मंदिर के लिए सरसों का तेल लेके आई हूँ। इससे पहले मैं सेसमे ऑयल यूज करती थी दिया जलाने के लिए, इस बार मुझे मस्टर्ड ऑयल मिला बिग बाजार में, तो सिर्फ मुझे बिग बाजार में, तो मैं यही लेके आई हूँ। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी यहाँ पे सब्जी। तो मैंने गाजर, मटर, आलू और गोभी सब कट करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे तड़का लगाऊंगी मैं जीरा ऐड करके, और थोड़े से 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की कट की हैं और 2 हरी मिर्च हैं और 1 मीडियम साइज़ का अनियन है। तो इधर सब्जी बनके तैयार हो गई है जिसको मैंने हरे धनिया के साथ गार्निश किया है, और अभी गर्म है तो इसमें से भाप निकल रही है तो इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और दूसरी साइड तैयार हो चुके हैं गुलाब जामुन, और एक भी गुलाब जामुन टूटा नहीं है विदाउट एनी क्रैक, और काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी टेस्टी भी लग रहा था, लेकिन चाशनी मुझे लग रहा था थोड़ी सी कम हो गई थी, अदरवाइज गुलाब जामुन काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। तो आज है नेक्स्ट डे और दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैं अब शूट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारा काम था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। और ये गुलाब जामुन मैंने फ्रिज में नहीं रखे क्योंकि फ्रिज में रख के काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बाहर ही रखा हुआ है। और वैसे भी आजकल यहाँ कुछ भी चीज़ फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी है, थोड़ी बहुत सामान मुझे अरेंज करना है, यहाँ पर जैकेट वगैरह भी मैंने निकाल के रखी है क्योंकि मुझे पहनना है। और थोड़ी स्टडी कर रही थी क्योंकि खाली बैठे बैठे मैं नोट्स वगैरह भी पढ़ते रहती हूँ अपने, तो इस वजह से। और ये ब्लैंकेट मैंने लॉन्ड्री बास्केट में भरा हुआ है क्योंकि ये मुझे वॉश करना है, और आज बहुत अच्छी धूप आई है। और न्यू बेडशीट मैंने बिछा दी है बेड पे और काफ़ी अच्छी लग रही है, पिंक कलर की मेरे पास नहीं थी इस तरीके की, और बाहर काफ़ी अच्छी धूप आई है इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टूल रख लिया है। और सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं स्टूल पे बैठ के धूप सेकती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपने लिए लंच की क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, मॉर्निंग में सिर्फ सब्जी बनाई थी और हस्बैंड को सब्जी के साथ पराठे पैक करके दे दिए थे क्योंकि चावल बनाने का टाइम ही नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैं अभी अपने लिए बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। और पुलाव ज़्यादातर मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना कढ़ाई में एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो इसके लिए मैंने बासमती चावल लिए हैं। और बासमती चावल को पहले मैं सोक करके रख दूंगी 10 to 15 मिनट्स के लिए, और तब तक मैं सारी वेजेस कट करके रख दूंगी।
पुलाव के लिए सारा मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। 5 से 10 मिनट तक मैंने उसको अच्छी तरीके से भुना है और सारा ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे सोक किए हुए राइस ऐड करूँगी और इसको भी 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरीके से स्टीम पे फ्राई करूँगी। इससे चावल ना बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं और खिले खिले से दाने बनते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे पानी मैं ऐड कर दूँगी लास्ट में। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ धनिया की चटनी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी भर के धनिया ले लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी से वॉश किया था। और उसके बाद यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्च ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और सॉल्ट ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छा सा पेस्ट बना के चटनी तैयार हो जाएगी। तैयार है यहाँ पे गर्मा गर्म वेज पुलाव जो कि विंटर स्पेशलिटी होती है क्योंकि मटर की वजह से पुलाव खाने का और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको चटनी के साथ मैं खाऊंगी और थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी कल रात की लेफ्ट ओवर, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी क्योंकि विंटर्स में ख़राब नहीं होती है सब्ज़ियाँ। और उसके बाद मैं डायरेक्टली शाम का ही शूट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज मसाला वगैरह भूनने के लिए रखा हुआ है और मैं यहाँ पे 2 आलू मैंने बॉईल किए हुए हैं क्योंकि जैसे भंडारे में सब्ज़ी बनती है ना आलू की मैश की हुई सब्ज़ी, तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि आज घर में सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं, तो इस वजह से 2 ही आलू पड़े थे। तो मैंने सोचा इनको बॉईल करके वो बनाया जाए ग्रेवी वाली सब्ज़ी और वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और सब्ज़ी में मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड किया है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, सब्ज़ी का टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो कसूरी मेथी डालने के बाद अलग ही खुशबू आती है। और इसको मैं 4 से 5 मिनट बॉईल होने दूंगी और उसके बाद हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। बस सब्ज़ी तैयार है। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने चने भिगोए हुए थे, ये मुझे कल मॉर्निंग में बनाने हैं लंच के लिए। मतलब लंच तो मैं मॉर्निंग में बना देती हूँ टिफ़िन के टाइम पे, जब मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाती हूँ तो मुझे टिफ़िन में भी पैक करके देना है, इसलिए मैं अभी से पीस के रख लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं हो पाता, तो फटाफट सब चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए मैंने सब तैयारी अभी से करके रख ली है। तो अभी टाइम हो गया 7:30 बजे का और हस्बैंड भी इस टाइम तक आ जाते हैं, तो गर्मा गर्म रोटी तैयार कर लेती हूँ मैं और उसके बाद हम लोग साथ में मिलके डिनर करते हैं। तो आजकल तो विंटर्स में हम लोग मड़वे की रोटी खाते हैं क्योंकि पहाड़ी लोगों का होता ही है कि सर्दियों में मड़वे की रोटी नहीं खाई तो मज़ा ही नहीं आता, तो
तो इस वजह से, और ये वैसे पिछले साल का है बचा हुआ आटा, तो उसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।